नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट देखिएगा अपडेट जिसका वेट किया जा रहा था। IRFC के क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा, आपको ये वेट किया जा रहा था कि किस तरीके के रिजल्ट आएंगे, जबकि बताया गया था कि मोस्ट प्रोबेबली 90% रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। बहुत ही क्वालिटी बिजनेस है, बहुत क्वालिटी की तरह से देखिएगा यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार मनमानी करने लगती है उसके कारण डाउट आ जाते हैं ऐसी कंपनीज में। अदरवाइज अगर फंडामेंटल देखें तो काफी बेहतरीन है। तो जो सरकार करेगी तो चलिए वो तो बात अलग ही है, लेकिन आज डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर आपको देखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा डिविडेंड भी ऐलान कर दिया गया है। मैं पहले बता देना चाहता हूं, डिविडेंड भी आपको मिलेगा जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, कि आपको जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है 0.77 पैसे का। तो काफी अच्छा है, यानी कि ये सीधे सीधे इंपैक्ट करेगा वैल्यूएशन पे, और जितने लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेके बैठे हैं उनके लिए तो ये शानदार डिविडेंड यील्ड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शानदार डिविडेंड यील्ड है। और देखिएगा यही चीज़ है कि क्वालिटी भी है, वैल्यूएशन तो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस सीधा सीधा रेगुलर इनकम आपको दे रहा है, सीधा सीधा रेगुलर इनकम बना के दे रहा है, और ये चीज़ सबसे अच्छी है। और आपको देखिएगा यहाँ पर पूरी तरीके से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होगा। 11 नवंबर देखिएगा डेट रखी गई है, और 23 नवंबर को देखिएगा ये आपको पेड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला देखिएगा अनाउंसमेंट हो गया यहाँ पर, आपका डिविडेंड क्या मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो अगर आप रेवेन्यू चेक करेंगे तो रेवेन्यू में आपको सीधा सीधा जंप देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सितंबर 2020 का देखेंगे और देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्या शानदार इंक्रीमेंट हुआ है, शानदार इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर भी शानदार इंक्रीमेंट हुआ है, मजबूती के साथ पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि विदाउट एनी डाउट मजबूती के साथ पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्या शानदार जंप आया है, आप देख सकते हैं शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, चाहे आप एक्सेप्शनल आइटम के साथ माने, बिफोर माने, आफ्टर माने, डजंट मैटर, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। और आपके EPS में भी इम्प्रूवमेंट देख लीजिए, 0.84 से हो गया है 1.115, तो देखिएगा 15। और इसके अलावा देखिएगा अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 1.59 से हो गया है 2.30। तो पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट है, जैसा एक्सपेक्टेशन की जा रही थी वैसी एक्सपेक्टेशन है। कॉन्टिन्यू ग्रोथ एक्सपेंशन आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है, इसीलिए कहते हैं ये क्वालिटी बिजनेस है, और क्वालिटी बिजनेस को बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट अगर देखिएगा यहाँ पे कुछ ना करे तो ये आगे चल के आपको अच्छे वैल्यूएशन प्रोवाइड करेगा। तो जितने लोगों के पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए। अब बात करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ने देखिएगा 24.60 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आपको दिखाई है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये स्टॉक देखिएगा कंसोलिडेशन में तब तक रहेगा जब तक ये 28 रुपये का लेवल नहीं तोड़ देता। जैसे ये 28 रुपीज की बुक वैल्यू का लेवल तोड़ेगा तो आपको बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी एट द सेम टाइम ये क्या होगा कि जब ये वैल्यूएशन बना रहा होगा, जब ये स्टॉक वैल्यूएशन बना रहा होगा, अच्छे वैल्यू क्रिएट कर रहा होगा, तभी आपको OFS भी देखने को मिलेगा। तो हर चीज के लिए आपको अलर्ट रहना है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को भूल गए, डजंट मैटर, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो IRFC में भी काफी बढ़िया मोमेंटम आपको जल्द देखने को मिलेगा जब देखिएगा डिविडेंड की डेट पास आएगी, और उससे पहले ही हम आपको अपडेट भी कर देंगे। कल भी यहां पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर काफी बेहतरीन नतीजे इन्होंने दिए हैं, मार्केट में ये स्टॉक कल ट्रेंड भी कर सकता है। अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक की, तो देखिएगा IRCTC में भी काफी बढ़िया देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो 885 रुपए का हाई बनाया था, फिर उसके बाद देखिएगा 809 रुपए का इसने लो बनाया था,
पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर पूरे दिन देखिएगा असमंजस ये थी कि किस तरीके के नतीजे आएंगे, चूँकि IRCTC में ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट हो चुके हैं, स्प्लिट हुआ, दिन देखिएगा गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आती है, वहाँ पे स्टॉक में देखिएगा डाउनफॉल आया और उसी जगह पे बैकअप कर लिया गया डिसीजन और फिर वहाँ से मोमेंटम देखने को मिला। तो बहुत सारी देखिएगा ऑलरेडी यहाँ पर इशू चल रहे थे और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन की गई थी कि रिजल्ट इस बार सबसे बेहतर आएंगे। तो पिछले अगर आप बात करेंगे कोविड के ड्यूरेशन से बात करेंगे तो कोविड से लेकर अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे हैं और पूरी तरीके से एक्सप्लॉटेशन करा है अनलॉकडाउन का, यानी कि जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है जो रिवेंज टूरिज्म है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आपको। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिएगा 386% का राइज है, आप समझ सकते हैं 386 का राइज है देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया है, पूरी तरीके से प्रॉफिट भी देखिएगा, नेट प्रॉफिट भी जंप हुए हैं 158 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 386% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। यही जो प्रॉफिट थे वो 32 करोड़ के आसपास थे, कितने, केवल 32 करोड़ के आसपास थे, वहाँ से देखिएगा पूरी तरीके से फ़ायदा मिला है। जैसे जैसे देखिएगा अब पूरी तरीके से कोविड का खौफ कम हो रहा है तो वहाँ पर आपको जंप देखने को मिला है। और अगर आप बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन तो वो भी 357%। ये कोर चीज़ें होती हैं, जितने लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ, ये कोर चीज़ें होती हैं। 357% के रेवेन्यू देखिएगा 88 करोड़ से 405 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और देखिएगा टैक्स एक्सपेंसेस भी देखिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े हुए हैं, जो कि प्रिकॉशंस काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। पहले देखिएगा 46 करोड़ के आसपास थे और अब कितने हो गए, 213 करोड़ के आसपास। तो यही सब चीज़ें होती हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है, बट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा जंप आया है इनके रेवेन्यू में। और रेवेन्यू ही मेन होते हैं, प्रॉफिट्स मेन होते हैं जो कंपनी क्रिएट कर रही है अच्छी तरीके से। तो मैं सबसे कहूँगा देखिएगा टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की अपडेट्स हैं वो तो इन सब स्टॉक्स पे आती रहेंगी, लाइक इंडियन रेलवे हो गया, IRCTC हो गया, आपका RVNL हो गया, IRFC हो गया, लेकिन ये कंपनियां अपने ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे रिजल्ट के टाइम। अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू की बात करें आप, चाहे आप बात करें प्रॉफिट की, तो वो आपको क्वालिटी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू तो भी आप यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी आपको रिदम लगे तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।